गुरुदत्त वाला सवाल हो गया ये तो, दोस्ती और प्यार आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, उसने बोला कि मेरी क्या जरूरत है जहाँ मैं हूँ। दोस्ती ने कहा मेरी क्या जरूरत है जहाँ पे मैं हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि प्यार को कहा कि तुम जहाँ गम देती हो वहां मैं खुशी देता हूँ। यानी दोस्त हमेशा खुशी देता है। भाई ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, मैं तो छोड़ देता हूँ। आई थिंक क्या है ना कि दोस्ती और प्यार दोनों की अपनी अपनी जगह है जिंदगी में। प्यार थोड़ा सा एक्सट्रीम इमोशन है, दोस्ती में थोड़ा बैलेंस ज्यादा होता है, राइट? जैसे कि आपने कहा प्यार में गम मिलता है, हाँ गम भी मिलता है, एक्सट्रीम खुशी भी मिलती है। दोस्ती थोड़ी स्टेबल होती है, खुशी लेकिन थोड़ी टाइम की होती है ना प्यार में। नहीं वो टाइम की बात नहीं है, बात देखिए दोस्ती में भी ऐसा होता है, कई बार होता है कि आपकी एक दोस्त, आपका कोई दोस्त होता है जो 3-4 साल आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है और फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, तो वो तो हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। बस ये है कि आई थिंक दोस्ती में एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं इसलिए डिसअपॉइंटमेंट्स कम होते हैं, तो वो एक चीज थोड़ा उसको स्टेबल रखती है। थैंक यू मैम, लेकिन सबसे टफ क्वेश्चन पूछा था आपने। यस मैम बताइए। मैं जस्ट पूछना चाहती थी पूरी टीम से, जिस तरह से आपने अनाउंसमेंट किया आपके फिल्म का, दैट वाज सो क्रिएटिव, वो कहां से आईडिया आया, कैसा एग्जीक्यूशन था? वो इनकी एक्चुअल लड़ाई से आया। क्या होता है, हम लोग जब भी प्रमोशन की बात करते हैं या जब भी ऐसा कोई डिस्कशन होता है ना, कुछ सवाल हमेशा उठते हैं, ठीक है, आज तक हमेशा उठे हैं कि कौन बीच में खड़ा होगा, किसका नाम पहले बोला जाएगा, किसका नाम पहले आएगा, किसका दूध पिया जाएगा, किसका मैंने सबसे पहले ये पूछा था सर, मैंने आपको पहले ही बोला था वो दूध वाला चीज ना यार रिग्रेट नहीं करते हैं। पर हमें दोस्ती भी है प्यार भी है तो होना ही होना है ना, लाइक तो इस दोस्ती और प्यार ने बात की तो गहरा हो गया, तो इसलिए उनकी जो लड़ाई थी हम लोगों ने उसी, और प्लस क्या था कि फ्रैंकली बताऊं तो मैंने काफी सारे वीडियोस देखे जिसमें एक्टर्स ना ऑलमोस्ट रो देते हैं ये अनाउंस करते हुए कि हाय मुझे ये पिक्चर मिल गई और मैं कितना खुश हूँ। आपने भी जैसे ये फिल्म मिल गई तो पता नहीं कितना ही अच्छा, मैंने इन लोगों के चेहरे पे कभी मेरी फिल्म मिलने की कोई खुशी नहीं देखी, ठीक है, हमेशा यही डिस्कशन, तो ये डिस्कशन हमेशा हुआ है। तो मैंने कहा यार ये साइड तो सब दिखाते हैं, ये झूठी सी साइड की एक फिल्म की को मिलने की वजह से आदमी रो रहा है, आंसू बहा दिए कि मुझे इतना अच्छा लगा जब मुझे कमरे में बोला कर बताया गया कि जो है मुझे पिक्चर दे दी, मुझे बाद में नाम बताना, ठीक है मैच करते हैं लेकिन असलियत तो नहीं है, तो इसलिए वो वीडियो बनाया। तो उस वीडियो में जैसा आप लोगों का बैंटर दिख रहा है वो रियल लाइफ होता है या फिर वो एक्टिंग में कोई कर भी नहीं सकता, मतलब उसे इतने अच्छे एक्टर नहीं है ये लोग। माइक ले लो भाई, पीछे है तुम्हारे। ऑलराइट, एटलीस्ट कार्तिक, बिकॉज़ दिस इज योर फोर्थ फिल्म विद, ही इज कंपैरेटिवली न्यू दैट वे, आर यू गाइस टेकिंग फॉर ग्रांटेड नाउ और हैव यू स्टार्टेड टेकिंग हिम येट, आई मीन हैव यू स्टार्टेड टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड कि यू आर प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ ऑल हिज फिल्म्स नाउ? शुड वी आंसर दैट सर, आर वी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड? मैं तो हमेशा से ग्रांटेड लिया उनको, तो पता नहीं मैंने, आई श्योर यू आर गोइंग, नो आई गोइंग टू टेक देयर फॉर अ नेक्स्ट फिल्म एज वेल, बिकॉज़ आई मीन यू हैव मेड आकाशवाणी एज वेल, राइट, जहां पे हार्डकोर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज वन टाइम यू गाइस आर नॉट रोमांसिंग फाइनली एक्चुअली, और लॉजिक इज दैट हमेशा ये बात होती है ना कि ये क्यों, मुझे जिस दिन इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये क्यों नहीं, उस दिन नहीं लूंगा। इनके साथ कहने में मजा आ रहा है, तब तक कोई वजह नहीं है कि मैं इनको कास्ट ना करूं। सनी की भी मेरे साथ तीसरी फिल्म है, तो जब तक आपके पास वो एक्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम करने में अच्छा लग रहा है और आपको मजा आ रहा है, जो वो ग्रांटेड वाली बात थी वो बिल्कुल क्लियर है कि ऑफ कोर्स आई एम द वन हुज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, ओके, तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है उस बारे में। ऑल्सो वन थिंग इन द ट्रेलर, आई मीन इट्स आयरोनिकल बिकॉज यू नो हम लोग अक्सर जब एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं, व्हेन वी मीट समवन हुज एक्चुअली एक्स्ट्रा नाइस, वी हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग कि इज द पर्सन एक्चुअली सो नाइस और इज इट जस्ट अ प्ले। We should be bad then, basically. It's sometimes because in the age that we live in, we actually find it hard when you actually find genuinely a nice guy or a nice person, you know, basically a nice girl. It kinds of, which itni achhi hui nahi sakti. Do you also play on that? I mean, what's your take on but that? But aap dhoondna chahte ho achha insaan. You're wanting a nice girl and a nice boy. When they're nice, you don't want to believe it. So what do you do? Cynicism, na? Hum cynical hote hain. Kya kar sakte hain? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं ना ऐसे सिचुएशन में, तो सवाल
दिमाग में कुछ और था जबान पे आता है तो कुछ और ही बन जाता है यार धवन बनने चला था गुरु धवन गुरु धवन क्या मेरा प्रॉब्लम हो गया सुन तेरे को मैं एक और मौका दूंगा तू सोच ले फिर से नो हर कोई लव रंजन नहीं बन पाता ना क्या करें ओके बिफोर वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड आल्सो लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द पीपल हु हैव मेड दिस फिल्म पॉसिबल दैट जो आप देख रहे हैं वो वैसा लग रहा है सो द प्रोड्यूसर्स ऑफ कोर्स मिस्टर भूषण कुमार आई हैड लाइक टू इनवाइट हिम ऑन स्टेज अलोंग विद मिस्टर अंकुर गर्ग